दो गुटों की तरफ से जुलूस निकालने की जिद की वजह से आज पंजाब का शहर पटियाला बड़ी तबाही के मुहाने पर बिल्कुल पहुंच गया था। और बड़ी खबर यह है कि पटियाला में कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पटियाला में कर्फ्यू जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पटियाला में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। सड़क पर तलवारें लहराई जा रही है। दोनों तरफ से बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। छतों से भी पथराव किया जा रहा है। पुलिस वालों पर भी हमले हो रहे हैं। गोलियों की गूंज भी सुनाई दे रही है। और इन सब के बीच धार्मिक नारे गूंज रहे हैं। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, बोले वीर भगत सिंह महोदय। कुल मिलाकर कह दें तो जुलूस की जिद ने आज पंजाब के पटियाला शहर को जंग का मैदान बना दिया है। और पटियाला में साजिश की ये चिंगारी भड़काई है सिख फॉर जस्टिस संगठन ने। दरअसल हिंदू संगठनों ने खालिस्तान के विरोध में जुलूस निकालने का ऐलान किया, जिसके बाद दूसरे संगठनों ने इस जुलूस के विरोध में ही जुलूस निकाल दिया। दोनों गुट शहर के फवारा चौक तक जुलूस निकालने पर अड़े थे, हालांकि मंजूरी किसी के पास नहीं थी। हिंदुवादी संगठन काली माता मंदिर से फवारा चौक की तरफ जा रहे थे, तभी सड़क पर दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों समुदायों की तरफ से पहले पुलिस पर और फिर एक दूसरे पर पत्थरबाजी और तलवार से हमले किए गए। हंगामे के बीच पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आई। बवाल के बीच फुटओवर ब्रिज से वीडियो बना रहे इस शख्स को सुनिए जो गोलीबारी की बात कर रहा है। काली माता रे मंदिर गोले रियांगा का गोली चल रही है। पटियाला की आज की हालत समझने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 1986 में आज ही के दिन गुरबचन सिंह ने अमृतसर में खालिस्तान का झंडा लहराया था। विदेश में बैठे आतंकी पन्नू ने आज भी इसी तरह झंडा लहराने का ऐलान किया। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब में कई जगह झंडा लहराने का ऐलान किया है। फिलहाल पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च करके हालात को काबू में कर लिया है। कुछ शरारती तत्वों करके, कुछ अफवाह करके ये गल छोटी जी हुई है, एंड पुलिस ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसनों कंट्रोल कर लिया है। फ्लैग मार्च असी शहर दे विच कर रहे हैं।
हिंसा का शोर शांत होते ही सियासत के सवाल उठने लगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ताजा हालात के लिए मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर टोटल कोलैप्स कर गया है, पुलिस के बस का रहा नहीं, वहाँ की पुलिस अब सरकार जो कहती है या जो उनके राजनीतिक बॉसेस उनको जो कहते हैं उसके साथ काम कर रहे हैं। पुलिस इस बात में बिजी है कि वो जो पॉलिटिकल स्कोर उनके बॉसेस के सेटल करने हैं। दिल्ली में पुलिस आए दिन आई होती है यहाँ पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के घर पर, उसमें ज्यादा बिजी है। मुख्यमंत्री जी ने अपील करांगा कि फौरी तौर पर पटियाला के अंदर जाओ, उथे पीस कमेटियां बनाओ, सियासी पार्टियां दे नाल बैठ के गल करो, धार्मिक जत्थेबंदियां नाल गल करो, इस अग नू फैलन तो बचाना पड़ेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, लेकिन अचानक ऐसे सड़क पर मचे संग्राम को लेकर पंजाब पुलिस और सरकार दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।